दोस्तों, क्या आपको पता है एक मादा मच्छर अंडे कैसे देती है और वो एक बार में कितने अंडे देती है? अंडे कहाँ पर देती है? अंडों का रंग कौन सा होता है? क्या वो अंडे आंखों से नजर आते हैं? मच्छर अंडों में से कितने दिन में बाहर निकलते हैं और कितने दिनों तक जीते हैं? और तो और, क्या आपको पता है मच्छर के अंडों को किस जगह पर खाया जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक मादा मच्छर एक बार में 100 से 200 अंडे देती है और उसके पूरे जीवन काल में वो 3 बार अंडे देती है, और अपने अंडे पानी पर देती है या पानी से थोड़ी ऊपरी सतह पर देती है। और मच्छर के अंडों का रंग सफ़ेद होता है। वो अंडे इतने छोटे होते हैं कि आप बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के ठीक से देख भी नहीं सकते। और मच्छर अंडों से निकलकर 8 से 10 दिन में ही बाहर आ जाते हैं और अपने अपने जीवन प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। एक नर मच्छर सिर्फ 10 दिन तक ही जिंदा रहता है और मादा मच्छर 40 से 50 दिन तक जिंदा रहती है। इसमें नर मच्छर की आयु बहुत कम होती है। ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि मैक्सिको में मच्छर के अंडों को खाया तक जाता है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।